क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो बिहार के मुजफ्फरपुर के बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं, लेकिन उनके आगमन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और जाप प्रमुख पप्पू यादव ने विवादित बयानबाजी की है, जिसके बाद अब उन दोनों के खिलाफ मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। वहीं बिहार के भागलपुर ग्राम में रक्षा दल सह पुलिस मिश्र ने आज समाहरणालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हर कार्यक्रम और त्योहार में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है और हम लोग रात प्रहरी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके लिए हमें लाठी, टॉर्च, वर्दी और टोपी की जरूरत होती है, लेकिन हम लोगों को कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं, अभी तक विभाग द्वारा हम लोगों को ये मांगे पूरी नहीं की गई है। वहीं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नौकरी में हम लोगों को स्थायी जगह दी जाए और जीवन सुरक्षा बीमा का लाभ भी दिया जाए। साथ ही हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दिवसीय धरना है, धरना का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों का लाठी, टॉर्च, वर्दी का वरीय उपसमर्ता के यहाँ से आदेश हो चुका है, होने के बाद अंचलाधिकारी के पास गया है। अभी तक हम लोगों को लाठी, टॉर्च, वर्दी का मुहैया नहीं कराया गया है। हम लोग 2007 से लगातार आज तक हम लोग पुलिस मित्र के रूप में, ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। जैसे हम लोगों का है कि शराबबंदी, जुआबंदी, बालू माफिया, बाल विवाह, COVID-19 जैसे महामारी एवं मानव श्रृंखला का कार्य करते आ रहे हैं। जैसे रात्रि प्रहरी भी कार्य में हम लोग करते आ रहे हैं सक्रिय रूप से। हम लोगों का जिस तरह से विधानसभा में माननीय राजेश कुमार राम ने जो विधानसभा में बात रखा है, उन लोगों का हम लोग बहुत आभारी हैं, जिन्होंने कि हम लोगों का आवाज़ बिहार विधानसभा में रखा है। सरकार बार बार आश्वासन दे रहा है, जिलाधिकारी से हमारी मांग है कि हम लोगों को लाठी, टॉर्च, वर्दी दिया जाए, ताकि अलग से हम लोगों को कार्य करने में सहूलियत हो। वहीं बिहार के गया शहर में स्वराजपुरी रोड में एक निजी शोरूम को नगर प्रखंड अंचलाधिकारी और बैंक ऑफ बड़ौदा के पदाधिकारी के साथ पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया गया। वहीं शोरूम के संचालक प्रवीण कुमार आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक कर्मी शोरूम को जबरदस्ती सील कर रहे हैं। मौके पर नगर प्रखंड के अंचलाधिकारी जब उनके सील करने की कारण को पूछा तो उन्होंने लोगों को कोई जवाब नहीं दिया। वहीं शोरूम मालिक ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उचित जाँच कर कार्रवाई जाए। अगली खबर नसाहिबगंज से है, जहां पर जिरवाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के झरना कॉलोनी में रेलवे प्रशासन के द्वारा कई झोपड़ी और जर्जर क्वार्टर भवनों को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि रेलवे की जमीन पर कई सालों से लोगों के द्वारा अवैध रूप से घर बनाकर कब्जा किया गया था और कई क्वार्टर जर्जर हो चुके थे, जिसको लेकर रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा खाली करने को लेकर कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन रेल प्रशासन की टीम के द्वारा गैर कानूनी तरीके से रेलवे की
जमीन पर घर बनाकर रह रहे लोगों का घर से बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। वहीं बिहार के भागलपुर में तिलका मांझी होली फैमिली हेल्थ सेंटर में डॉक्टर द्वारा 6 महीने के बच्चे को इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का एक्सपायरी दवा लगाने को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का वैक्सीन लगाने के लिए शिविर लगाया गया था, जहां एक 6 महीने के बच्चे को डॉक्टर ने एक्सपायरी इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड वैक्सीन लगा दी और जैसे ही परिजनों को दवा एक्सपायरी होने की बात पता चली तो परिजनों ने हंगामा काट दिया, जिसके बाद तिलका मांझी और बरारी थाना के थानाध्यक्ष होली फैमिली हेल्थ सेंटर पहुंच गए। वहीं परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि 6 महीने के बच्चे को चिकित्सक ने इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का एक्सपायरी वैक्सीन लगाने को कहा था, साथ ही परिजनों ने हंगामा करते हुए डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी बात कही है। वहीं डॉक्टर ने गलती को स्वीकार करते हुए मामले में अपनी सफाई भी दी है। बिहार की खबरों में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। बिहार के भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के मधुरापुर बाजार में 4 मई को हुए हिंसक झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण है। हालांकि घटना के बाद से लगातार पुलिस की सख्ती वहां दिखाई दे रही है। वहीं आज दुकानदारों ने विरोध में दुकानों को बंद कर दिया, जहां दुकानदारों ने बीज बाजार से सब्जी मंडी हटाने की मांग समेत कई मांगे प्रशासन से कही। वहीं बाजार बंद की सूचना पर SDO उत्तम कुमार, SDPO दिलीप कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और बाजार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां दुकानदारों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी और अधिकारियों ने दुकानदारों को समझा बुझाकर दुकान को खुलवाया। वहीं इसके बाद SP भवानीपुर थाना पहुंचे और व्यापारियों और स्थानीय प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की, साथ ही शांति बनाए रखने की भी अपील की। जो परसों का घटना है उसमें पुलिस के तरफ से FIR दर्ज कर लिया गया है। 30 से ज़्यादा लोग उसमें नेम्ड हैं और सैकड़ों की संख्या में अज्ञात को केस किया गया है, उसकी भी पहचान की जा रही है। आज का जो बंद का सूचना मिला था तो हम लोग बाजार का मुआयना किए हैं, तो लगभग 50-60% दुकानें से भी ज़्यादा खुली। हाँ, प्राथमिकी दर्ज की गई है, नामजद प्राथमिकी है। कितने लोग? और लगभग 30 लोगों पर है और पुलिस उसके लिए पकड़ धकड़ के भी कार्रवाई कर रही है। हम लोग को उम्मीद है कि आज या कल तक गिरफ्तारियां होंगी उसमें। उसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव भेजा गया, सभी को नोटिस किया जा रहा है। कल से उन लोगों को भी अनुमंडल दंडाधिकारी के कोर्ट में आकर वहाँ अपना पक्ष रखना होगा।
वहीं नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र इलाके के नोआवा गांव में अलग अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जहां पहली घटना नोआवा गांव में बिजली के चिंगारी से घर में आग लगने के कारण वृद्ध महिला की मौत जिंदा जलकर हो गई। वहीं दूसरी घटना भी नोआवा गांव के खंदा के पास एक पेड़ से अज्ञात वृद्ध का शव लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भेज दिया गया है और मामले की जाँच में जुट गई है। भुयाथन के बगीचा में नीम के पेड़ में लटका था, तो मैंने की देखे लगा लग रहा लटका लेन देखे नहीं सर, कहीं मैंने निशान उठान दिया है। निशान तो गलवा में है, गलवा में थोड़ा सा। तो ये बूढ़ा आदमी हाँ, करीब 60 बरस के लगभग। तो मैंने टंगल है लगती है हाँ, टंगल देख लिया लगा। तो मैंने थोड़ा बोरिया देखे तो की लगाया, तब फांसी लेकर कि कोई मार। वहीं भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी के बीच सड़क पर गोली मार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब फाइनेंस कर्मी भागलपुर की तरफ जा रहा था और घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बाढ़ के बेलछी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दंगा चक पर गांव के पास बेलगाम ट्रैक्टर ने साइकिल सवार दो किशोरों को कुचल दिया और इस हादसे में एक दंगा निवासी किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा किशोर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक शव के साथ सड़क जाम कर दी और बाद में समझा बुझा कर जाम भी हटा दिया। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।